हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को और आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो देखा था वहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट यानी कि हम लोग ने 3 क्वेश्चन किए थे, आज उसी का पार्ट टू यानी कि बाकी बचे 3 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, अब तक हम लोग ने अज्यूम मेन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के बारे में देखा। उससे रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उन्हें देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हर बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे कहा क्या गया, मेथड को अच्छे से देखो फिर ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द पॉपुलेशन प्रोडक्शन सॉरी नॉट पॉपुलेशन इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर इज गिवन बिलो। फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस बाय अज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड है? अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, याद रखिएगा, अज्यूम मीन मेथड में क्या क्या होता है, क्लास होता है, क्लास मार्क होता है, ए अज्यूम करता है इसलिए डी आई का कॉलम होगा, फिर एफ आई होता है, फिर एफ आई डी आई होता है। ठीक है, तो उसका टेबल किस तरीके से लिखोगे, तो टेबल होगा इस तरीके से, क्लास, क्लास मार्क, फिर डिविएशन वाला, फिर फ्रीक्वेंसी जो दिया है इन एफ आई डी। ठीक है, तो मैंने क्लास और फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन डेटा से पता चलता है मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, बाकी हम लोग आगे बातें करते हैं। ठीक है, आगे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है यानी कि 25 + 30 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज 25 + 30 इट इज सेम एज वॉट इट इज सेम एज 55 एंड डिवाइडेड बाई 2। आप देखो कि मुझे हर बार पता है कि क्लास मार्क क्या होता है, बीच का नंबर ना, तो बीच का नंबर क्या होगा, इन दोनों के बीच का नंबर है 27.5 बिकॉज 5 का डिफरेंस है ना, तो मैंने 2.5 ऐड कर दिया इस नंबर के अंदर। सिमिलरली इन दोनों के बीच का 5 का डिफरेंस है, तो 5 को हाफ करूंगा 2.5, तो मैं 30 के अंदर 2.5 ऐड कर दूंगा यानी कि 32.5 बीच का नंबर लिखा जाता है क्लास मार्क के अंदर। 35 यानी कि यहाँ पे लिखूंगा 37.5, 40 to 45 यानी कि इट इज 42.5 बीच का नंबर, सिमिलरली यहाँ पे 47.5। ठीक है, हर बार हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा को देखो, क्लास को देखो, रेंज को देखो, उसमें जो भी रेंज होता है यानी कि यहाँ पे रेंज 5 का है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 और उतना ये लोअर लिमिट में ऐड कर दूँ, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करके 2.5, 25 में ऐड कर दिया 27.5। DI कैसे मिलता है, तो अज्यूम मीन लेने के बाद, अज्यूम मीन लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे सिंस 5 क्लास है, यहाँ पे बीच का ये है, दैट इज नथिंग बट माई वैल्यू ऑफ ए, अज्यूम मीन, आई एम अज्यूमिंग माई मीन इज 37.5। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 27.5 यहाँ पे हम लोग को उल्टा लिखा जाता है, ठीक, ये जो होता है ये उल्टा होता है ना, हम लोग लिखते हैं एक्स आई माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, हम लोग एक्स आई माइनस ए लिखते हैं यानी कि 27.5 माइनस 37.5 दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट माइनस 10.0 होता है यानी कि 10। सिमिलरली 25.5 में से अगर आपने 37.5 निकाला आपको माइनस 5 मिलेगा, 37.5 में से 37.5 निकाला तो 0, फिर यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 10। ठीक, अब क्या करना है, तो डी आई मिल जाने के बाद हमें डी आई इंटू एफ आई करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो डी आई क्या है, तो माइनस 10 और ये हो गया 20, तो इट इज माइनस 2 ना। ठीक है, तो मैंने मिस्टेक किया, तो आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे ना इसके बाद, आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, आपको एक्स आई माइनस ए किया जाता है, ए माइनस एक्स आई नहीं करना है। ठीक है, जो भी एक्स आई का वैल्यू होता है उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, उल्टा नहीं करना, याद रहेगा ना आप सबको। ओके, माइनस 5 × 25 इज नथिंग बट -125, 0 × एनीथिंग इज 0, 5 × 10 इज नथिंग बट 50, 10 × 10 इज नथिंग 100। अब हमें किसका किसका टोटल चाहिए, तो हमें एफ आई का टोटल चाहिए, फिर डी आई एफ आई का टोटल चाहिए। अगर मैं एफ आई का टोटल करने जाऊँ तो मुझे पता चला इन दोनों का सम करने पे 40 मिलता है, 20 10 10 वो भी 40 है यानी कि टोटल 80 हो गया ना। ठीक है, तो ये मुझे एफ आई का सम तो मिल गया 80। अब डी आई एफ आई का चाहिए, इन दोनों का सम करोगे तो आपको 150 मिलेगा। अगर आपने +150 और ये -200 है ना, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा -50। करें उस -50 को अगर इसके अंदर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -175। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से किया, मैं छोटे छोटे चीज़ों को करता हूँ तो मेरे लिए वो ईजी हो जाता है। अब आगे बढ़ते, मुझे पता है अज्यूम मीन मेथड के लिए फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, तो मुझे पता है इट इज सेम एस एक्स बार जो होता है मीन, इट इज सेम एस ए प्लस डी बार। ठीक है, ये डी बार क्या होता है, तो डी बार इज नथिंग बट व्हाट, मीन ऑफ डिविएशन यानी कि इट इज समेशन ऑफ डी आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब मैं क्या करूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, सिर्फ वो लिख दूंगा, ए का वैल्यू इज 37.5, ये जो न्यूमरेटर का समेशन इज नथिंग बट -175, डिनोमिनेटर का समेशन इज नथिंग बट 80। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेते हैं, तो इट इज 37.5 प्लस माइनस तो माइनस, मुझे 175 डिवाइड बाई 80 का आंसर चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 175 डिवाइड बाई 80 करना है। आप अगर आंसर फाइंड आउट करोगे आपको मिलेगा 2.1
एट, ठीक है, आपको मिलेगा 2.18। तो मैंने लिख दिया, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, आप करोगे क्या कैलकुलेटर? नहीं, आपको वो फाइंड आउट करना होगा। तो आपको एक्स बार जो है इट इज़ सेम एज 37.5, आप नीचे नीचे लिखो, मेरे में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो मैंने क्या किया, हाँ मैंने 37.5 माइनस 2.18 करना, ठीक है, तो वो मुझे मिलेगा 35.32। आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्शन इज नथिंग बट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज, तो मीन जो है, दिस मीन इज नथिंग बट 35.30 थाउजेंड, यानी कि अगर वो थाउजेंड में है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड करना चाहिए। सो इट इज 35.32 इंटू थाउजेंड, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 35320, बिकॉज डेसिमल के बाद दो पॉइंट था ना, तो मतलब कि नीचे दो जीरो था, दो जीरो कट हो गया और एक जीरो बचेगा, यानी कि वो मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है। तो मेरा एक्स बार जो है यानी कि मीन जो प्रोडक्शन है इट इज नथिंग बट 35320, ठीक है। आप लोगों को ये सारे कैलकुलेशन वेरीफाई करने हैं, खुद से करने होंगे, और फिर ही आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो सेम आंसर आता है कि नहीं। देयर माइट बी माइनर एरर, यानी कि आपको थोड़े कुछ अलग आंसर होने चाहिए, बट मोस्टली क्लोज आंसर ही मिलेगा। जैसे कि आप डिवाइड करने जा रहे हो ना, तो आपको ये मिला, तो अगर आप और एक स्टेप आगे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा इट इज़ एक्चुअली 2.19, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना वो थोड़ा बड़ा नंबर है, बट इट्स ओके, माइनर से एरर जो होते हैं क्लोज आंसर्स आर ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से रीड करेंगे, मेथड कौन सा है, तो स्टेप डिविएशन मेथड है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाई 120 वर्कर इन द कंपनी ऑफ अ ड्रॉ अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि उन्होंने क्या किया, फंड क्रिएट कलेक्ट किया फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल, ठीक है, 120 वर्कर्स, यानी कि मुझे पता चला कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज नथिंग बट 120, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 120 आने वाला है, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, लेकिन सम 120 हो। अब 35 पीपल ने 0 से लेके 500 तक का अमाउंट का फंड दिया, 28 लोगों ने 500 से लेके 1000 का, उन्होंने बोला है कि हमें मीन ऑफ द फंड फाइंड आउट करें कि एवरेज ये 120 स्टूडेंट में से एवरेज कितना फंड दे रहे, पर्टिकुलर पर पर्सन पर वर्कर कितना फंड मिल रहा है, ठीक है। तो वापस से टेबल, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन में हमारा अज्यूमिंग से एक स्टेप बढ़ जाता है, यहाँ पे हम लोग यूआई फाइंड आउट करते हैं। तो पहले टेबल देख लेते हैं, ठीक, तो टेबल के अंदर क्या है, तो क्लास है, क्लास मार्क है, डीआई एफआई, ये सब चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे और एक कॉलम ऐड हो जाता है, दैट इज नथिंग बट यूआई, दैट इज नथिंग बट डीआई अपॉन जी, जी क्या है, तो जीसीडी होता है, बात करेंगे, फिर यूआई एफआई है, देखते किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लास और फ्रीक्वेंसी डेटा से दे दिया था, और मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे 120 वर्कर है, तो यहाँ पे सम अगर आप करोगे तो आपको 120 मिलेगा, ठीक है, आपका काम है इसको वेरीफाई करवाना। वापस से वही क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं 0 से 500 के बीच का नंबर इज नथिंग बट 250, तो क्लास मार्क 250 आया, 500 से 1000 के बीच का नंबर इज 750, उस तरीके से ये 1250, 1750 एंड 2250। अब ए क्या होता है, अज्यूमिंग यानी कि बीच का नंबर ना, सो इट इज ए। वापस से आप देखो कि मैंने यहाँ पर भी गलत लिखा, आप लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे, आप लोग को पता है क्या होता है, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए होता है, ए माइनस एक्स आई नहीं होता है, आप लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे। मैंने अज्यूम जो था वो बीच वाला ले लिया, अब मैं एक्स आई यानी कि 250 में से अगर ये सब्ट्रैक करूंगा तो मुझे माइनस 1000 मिलेगा, यस सर नो, यस 750 में से अगर मैंने ये सब्ट्रैक किया तो मैंने माइनस 500 मिलेगा, मैंने माइनस 1000 लिखना बोला ना, मैं ना मैंने 500 बोला शायद, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसी तरीके से अगर मैंने 1250 में से 1250 को अगर सब्ट्रैक किया तो 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो बीच का डिफरेंस है 500, देखा इसके बीच का डिफरेंस क्या, तो वो है 1000 का डिफरेंस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर नेगेटिव नंबर्स हो गए, बीच में कहीं 0 आएगा, फिर वापस पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। सिंस हमारे जो क्लास है वो वेल ऑर्डर रहता है, इसलिए हमें ये जो सीक्वेंस है ना वो आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर नेगेटिव नंबर, बीच में 0, फिर नीचे पॉजिटिव नंबर्स। आप देखोगे अगर मैं इसको अंदर डायरेक्ट मेथड या फिर और किसी मेथड से जाता ना, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता, अगर सपोज अज्यूम मीन से भी जाता तो मुझे इन लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, डेफिनेटली इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन नंबर्स बड़े हो जाते। स्टेप डिविएशन में हम लोग क्या करता है, यहाँ पे जो डी आईज है, जो भी हमें डी आईज मिले उनका हम लोग जी सी डी ले लेते हैं। आप देखो क्योंकि 500 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को डिवाइड करा, ठीक है, तो जी का वैल्यू इज नथिंग बट 500, माय जी इज नथिंग बट 500, ओके। तो अब मैं हर किसी को 500 से डिवाइड करूंगा, माइनस 1000 डिवाइड बाय 500 इज नथिंग बट माइनस 2, माइनस 500 डिवाइड बाय 500 इज नथिंग बट 1, 0 बाय एनीथिंग इज 0, 500 डिवाइड बाय 500 1, 1000 डिवाइड बाय 500 इज नथिंग बट 2। अब हम क्या करेंगे, तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस 70, ये इंटू 28 नजीबन माइनस 28, 0 इंटू एनीथिंग इज
0. 25 into 1 is nothing but, sorry, 15 into 1 is nothing but 15, और ये 10 into 2 is nothing but 20, ठीक है, ओके. अब मैं क्या करूँगा, अब आराम से इसको ऐड करना है, ठीक है. किस तरीके से ऐड करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि इन दोनों का जो एडिशन है, इफ़ यू डू ऐड दिस टू नंबर्स, आपको मिलेगा 35, यस और नो, यस, ओके. अब इस 35 को अगर आपने इस माइनस इसके साथ ऐड करवा दिया, तो वो बन जाएगा माइनस 35, ठीक है. मतलब ये माइनस 70 प्लस 35 इज़ नथिंग बट माइनस 35. बच्चे कौन से, ये दोनों नंबर, इन दोनों को ऐड करते हैं. इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 5 8, यानी कि मुझे मिलेगा 3 3 3 3, कैरी वन, करेक्ट, 3 कैरी 1 मिलेगा. फिर ये 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज नथिंग बट 6, ओके. तो मुझे मिला माइनस 63 मिला, ओके. अब मैं क्या करूँगा, तो अब आगे बढ़ता हूँ. अब स्टेप डिविएशन के अंदर मुझे पता है कि मेरा जो मेन होता है, और डिफाइन किया जाता है, एक्स बार इज सेम एज ए, यानी कि एज्यूम मीन, प्लस यू बार. यू बार क्या है, यानी कि हम लोग ने जो यू लिया था, यानी कि ये इससे जो मीन मिलता है वो, लेकिन यू में हम लोग ने जी से डिवाइड किया था ना, यहाँ जी से मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये है फॉर्मूला, ए इज नथिंग बट 1250, ठीक है. ये यू बार क्या होता है, तो यू बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ यू आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इंटू जी का वैल्यू हमें पता है 500 है. इट इज सेम एज 1250 प्लस समेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट माइनस 63 डिवाइड बाई 120 टाइम 500, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, अब इसको कैंसिल करते हैं, ये जीरो और ये जीरो का, ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे इसको डिवाइड करना होगा. डेफिनेटली आप बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, अभी मैं इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ. तो सपोज मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 3 4 और ये 3 से क्या, तो माइनस 21, ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 2 जा और ये 25, ठीक है. तो एट द एंड मुझे क्या मिल रहा है, मुझे जी का वैल्यू 500 पता है, मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन. तो अब मुझे एक्स बार का वैल्यू मिला 1250 प्लस माइनस 21 टाइम्स 25 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. अब आप क्या करोगे, तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, माइनस 25 इंटू, ये प्लस माइनस है तो मैं माइनस लिख देता हूँ, 21 इंटू 25, यानी कि 21 इंटू 25 एंड डिवाइडेड बाय 2. अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 262.5, ठीक है, आपको मिलेगा 262.5. अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को 1250 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1250 के साथ, आपको आंसर मिलेगा 987.5, ठीक है. सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा पार्ट है जो आप लोग करोगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर नहीं हो पाता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं नेक्स्ट टाइम से उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये पार्ट अभी आप लोग करें, ठीक है. हम लोग ने यूज़ किया स्टेप डिविएशन मेथड. कॉलम कौन कौन सा आता है, तो क्लास, क्लास मार्क, डी आई, एफ आई, यू आई, यू आई एफ आई. फॉर्मूला क्या है, तो ये है, ठीक है. इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सम भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आपका काम होगा कि वीडियो को पॉज करके खुद ही इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 वापस से आप देखोगे तो मुझे दिख गया कि हाँ भाई स्टेप डिविएशन ही करना है, मतलब कि सेम कॉलम्स हो गए. बोला क्या गया था, फॉलोइंग टेबल गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि 150 वर्कर है, यानी कि मुझे फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी होगा 150. आप ऐड करके देख सकते, ठीक है, वीकली यानी कि एक हफ्ते में उस वर्कर को कितना मिलता. वहाँ पर 25 वर्कर्स है जिनका वीकली उनका जो पगार है वो है 1000 से लेके 2000 तक है, 1000 से 2000. उसी के 45 वर्कर्स का 2000 से 3000 के बीच में, 50 का 3000 से 4000, 30 का 4000 टू 5000, टोटल 150 वर्कर्स हैं. हमें करना है स्टेप डिविएशन मेथड, यानी कि टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्लास, क्लास मार्क, डी आई, एफ आई, यू आई, यू आई एफ आई, ठीक है. अब क्लास मार्क क्या होता है, तो बीच का नंबर, करेक्ट, बीच का नंबर क्या है, 1000 और 2000 के बीच में नंबर आता है 1500, 2500, 3500, 4500, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क. अब मुझे अज्यूम मीन वापस से मैंने हर जगह पे सेम मिस्टेक किया, आप लोग करोगे क्या, नहीं आप करोगे, इट इज एक्स आई माइनस ए, ठीक है. मैंने एक बार टाइप कर दिया तो हर बार वो मिस्टेक आ गया, लेकिन सॉल्व करते वक्त मैंने ध्यान दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है. ओके, यहाँ पे 4 है ना, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को तो मीन लेना होगा. सपोज मैं ये थर्ड वाले को मीन ले लेता हूँ, अज्यूम मीन माई ए इज नथिंग बट 3500, तो उस हिसाब से एक्स आई ये है और ए ये है, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इज ऑफ माइनस 2000. इन दोनों के अगर बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको दिखेगा डिफरेंस इज ऑफ माइनस 1000. इसका खुद से ही डिफरेंस निकालोगे तो 0, 1 4500 माइनस 3500
है ना, तो ये वो हो जाएगा 1000। ओके अब देखो क्योंकि नंबर्स बड़े ना तो हम लोग उसको जीसीडी से डिवाइड करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है उस हर किसी को डिवाइड करेगा? यस 1000 ऐसा नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। आप बोलोगे कि फसर 500 भी तो कर रहा है, 500 करोगे तो नंबर्स थोड़े कैलकुलेशन में ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन अगर 1000 लिया तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। सो मेरा जी जो है दैट इज़ नथिंग बट 1000। ओके सो 1000 इससे इसको डिवाइड करूंगा तो -2, इसको डिवाइड करूंगा मैं इसको तो मुझे मिलेगा -1, ये हो जाएगा 0, ये 1। अब मल्टीप्लाई देखो कितना ईजी है, 50 × -2 इज नथिंग बट 25 × -2 इज नथिंग बट 50, 45 − 1 इज −45, 50 × 0 जो है, सॉरी मैं थोड़ा आगे भाग रहा था, ये 0 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -20, -45 और -20 करोगे तो आपको मिल जाएगा -65, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे आपको 150 आना चाहिए, आप लोग वेरीफाई करो, देखो अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली 50, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी चीज़ का फॉर्मूला में यूज़ कर लूँगा जो भी चीज़ें मेरे पास है। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज़ एक्स बार इज सेम एज, अगेन आई एम राइटिंग ए प्लस यू बार जी दैट इज सेम एज ए प्लस यू बार इज नथिंग बट सबमिशन ऑफ यू आई एफ आई डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ एफ आई टाइम्स जी। ओके ए क्या है तो मुझे पता है ए का वैल्यू इज नथिंग बट 3500 प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई क्या था, तो वो था -65, यह 150 और जी का वैल्यू है 1000। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको और इसको क्या कट, ठीक है ये 5 3 और इसको अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 20। अब ये 3 और 65 को अगर मैं कट करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ, कट हो रहा है क्या पहले तो 65 टेबल में नहीं आता है, छोड़ दो उसको, तो नहीं आता है तो छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं ले सकते हम, 3 ही है और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इट इज़ 3500 −65 × 20 एंड डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा तो ये होगा 3500 माइनस, अगर आपने 65 को 20 से मल्टीप्लाई किया और आंसर को 3 से डिवाइड किया आपको आंसर आएगा 433.3, ठीक है आपको आंसर आएगा 433.3। अगर आपने इस चीज़ को, ये जो आपको मिला, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपको x बार का वैल्यू है ना, तो x बार आपको क्या मिला, x बार इज सेम एज 3500 था −433, ये 33 डॉट 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 जा रहा है तो मैं सिर्फ एक ही बार लिख रहा हूँ बिकॉज हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर मिला तो भी हम लोग खुश है। ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी मीन मेथड होता है अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है तो हम लोग भी अप्रॉक्सीमेट आंसर ही निकाल रहे हैं। ओके तो ये हो गया 10 9 9 और ये हो गया 4, सो इट इज 3 0, ये हो जाएगा 6 6.7, ठीक है। आपका जो अज्यूम मीन है यानी कि स्टेप डिविएशन से जो मीन है अप्रॉक्सीमेट मीन, इट इज नथिंग बट 3 0 6 6.67 होता है, लेकिन हमारा 7 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है 3 0 6 6.7 इज योर आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया और इसी के साथ साथ हमने पूरा प्रैक्टिस सेट जो था उसको सॉल्व कर लिया। सो धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को तो लाइक करो और फ्रेंड के साथ करना है शेयर, ठीक है इतना काम कर दो और कुछ नहीं, ठीक है चलो बाय बाय।